मृत्यु, अग्नि और राख, भस्म। इसके अलावा तो कोई बड़े से बड़ा राजा महाराजा यहां आकर कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, अंत में सिर्फ राख की पोटली बनकर रह गया। कैसे पड़ा रहता है शरीर और कैसे खड़े रहते हैं लोग, अंत इस तरीके का है। कभी काल से बचने की बात सोचिएगा, बच नहीं पाओगे, कोई नहीं रुका यहां, सबको जाना पड़ा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन जैसे महाबली भी यहां से गए। गजेंद्र को जब ग्रह खींचने लगा, शुरू में ग्रह उसे लगा गजेंद्र को कि मैं, ग्रह तो बहुत कमजोर है, मैं इसे मार दूंगा, लेकिन वो मृत्यु लोक में मृत्यु को आप कैसे हरा सकते हैं? तो सरोवर में ग्रह को गजेंद्र कैसे हिला सकता था? धीरे धीरे वो उसका सारा रक्त पी गया, पिता वृद्ध हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, पुत्र इलाज करा रहे हैं, इधर गजेंद्र को उसके पत्नी, उसके बच्चे जिन्हें वो स्नान करा रहा था, वो उसे खींच रहे हैं बाहर, पर देखा कि अभी खींचने वाला नहीं है, अब ये जाने वाला है। उधर देखा कि पुत्रों ने कि पिता का इलाज कराते कराते धन खत्म हो रहा है, अब ये रिकवरी करने वाले नहीं है। तो वहीं पिता बेड पे पड़े हैं और पुत्र चिंतन कर रहे हैं कि अब इनका इलाज रुकवा देते हैं, आगे के भी खर्चे तो बहुत हैं, कैसा कष्ट होता होगा, अपार भीषण कष्ट। उस कष्ट की क्या कोई कल्पना भी कर सकता है कि अपने जाए हुए पुत्र ये चर्चा कर रहे हैं कि अब इन्हें घर ले चलते हैं, अब ये बचने वाले नहीं है, आगे भी तो खर्चा करना है। गजेंद्र को छोड़ के चले गए। उसने कहा, अरे रुको, अपने पुत्रों से कहा, अपनी पत्नी से कहा, रुको, मैं आप ही को तो नहला रहा था और यहां मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, ये ग्रह मुझे खींच के ले जा रहा है। लेकिन सब लोग वहां से चले गए कि अब आपका बचना मुश्किल है, हम आपके लिए किसी तरह कुछ नहीं कर सकते। भयभीत होकर चले गए कि कहीं ये डूबता हुआ हमसे कुछ कह ना दे, हमें कोई अपशब्द, कोई कठोर शब्द ना कह दे। वहां से चले गए। उधर जब पिता ने ये बात देखी कि मेरे पुत्र तो ऐसी चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं अस्पताल के टेबल पर रखा हुआ पुष्प उठा लिया और भगवान के चरणों में अर्पित करने लगे। उधर गजेंद्र जब डूबने लगा, जब सारे आश्रय खत्म हो गए, तो वहीं कमल के एक छोटे से पुष्प को ले लिया अपनी सूंड में और भगवान का स्मरण करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत् ऐच्छितात्मकम् पुरुषाया दिबीजाया परेशाया विधीमहि, कि यदि तो इसको कोई सृष्टि के लिए कोई चलाने वाला है तो मैं उसका स्मरण करता हूं, वो मुझे आके रक्षा करे। तत्क्षण भगवान आ गए, ग्रह और गजेंद्र दोनों को मुक्त किया। मुक्ति नहीं किया, अपने धाम में ले गए। कहा, अब तुम यहां रहने लायक नहीं हो, क्योंकि अब आपकी लौ मुझसे मिल गई है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। जब ऐसी उसने गूंज की कि मेरा तेरे अलावा कोई सहारा नहीं है, जब अनाश्रय उसने खत्म कर दिए, सारे आश्रयों को नष्ट कर दिया और केवल एक भगवान के चरणों में चला गया, तो फिर भगवान भी उसकी ओर दौड़े। क्योंकि कृष्ण जब आप उसकी ओर दौड़ते हैं तो वो दोनों हाथ खोल के आपकी ओर दौड़ता है। एक क्षण नहीं लगाई, कितनी देर लह गई होगी गजेंद्र को डूबने कि उसकी सूंड बस इतनी सी ऊपर की बची थी, कितना क्षण लगेगा वहां से डूबने में गजेंद्र को, लेकिन उतना भी तो कहां भगवान ने उसे समय दिया, उससे पहले कि उसकी आखिरी सूंड का इतना हिस्सा डूब पाता, नारायण सामने खड़े हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार,
दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो हर पल हारा, मेरा तो क्या है, मैं तो हर पल हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खे बनहार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खे बनहार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा लुटा बस लाज बची है, तुमसे ही काना मेरी आस लगी है। सब कुछ लुटा बस लाज बची है, तुमसे ही काना मेरी आस लगी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। कहाँ जाऊँगा सरकार, कहाँ जाऊँगा सरकार, कहाँ जाऊँगा सरकार, कहाँ जाऊँगा सरकार। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ।